डियर स्टूडेंट्स माई सिर्फ डॉ फातिमा सुल्ताना एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जे डी बी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आज हम एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे आप सब जानते हैं कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम गोल्गियापैराटस लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्लांट कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट तो उनमें से जो है आज हम एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को स्टडी करें सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इट इज द सेल्युलर ऑर्गेनिल विच इज प्रेजेंट इन द सेल कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक सेलुलर ऑर्गेनिल है और दिस इज रिलेटेड टू द transport network for molecules going to specific places as compared to molecules that flow float freely in the cytoplasm the endoplasmic reticulum is in cells that have a nucleus in eukaryotic cells but not in prokaryotes एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है जैसे आप समझिए कि किसी कॉलोनी में या किसी शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है वो किसके द्वारा होता है सड़कों के द्वारा तो इसी तरह से कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ जो बन रहे हैं सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ये एक नेटवर्क का काम करता है और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो है ये सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियस होता है तो आप सब जानते हैं न्यूक्लियस किस में होता है यू कैरियू कोशिका प्रो में न्यूक्लियस एबसेंट होता है तो दैट मीन्स एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इज़ फाउंड ओनली इन द यू सेल्स बट नॉट इन द प्रो कैरियोट्स

गोल्गी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी अपेरेटिस का अविष्कार किया था उनके ये छात्र थे एंड ही यूज द गोलगी स्ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड फाउंड अ न्यू सबसेलुलर स्ट्रक्चर जो गोल्गी ने जो स्टेन बनाया था जिस प्रोसीजर से उन्होंने गोल्गी का अविष्कार किया था उसी स्ट्रेन को यूज करते हुए वेराटी ने 1902 में एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी किया केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया पर फिर भी क्या है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए साइंटिफिक कम्युनिटी को कि इस तरह का भी कोई एक सेल ऑर्गेनिल कोशिका के अंदर पाया गया है वो उसको वो समझा नहीं पाए इसीलिए उनके अविष्कार को उस वक्त कोई महत्व नहीं दिया गया therefore this work was disregarded and put away while research on golgi apparatus other organelles went dashing forward endoplasmic reticulum was left behind jo dusri koshika hai koshika ke jo cell organelles the वो तो बहुत महत्व पा रहे थे उनके आविष्कार के बारे में बहुत लाइमलाइट में आ रहे थे पर ये जो endoplasmic reticulum के बारे में वैराटी ने जो बताया था उसको वो समझा नहीं पाए और इसी वजह से क्या है कि वो ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का जो आविष्कार है वो पिछड़ गया इन रेट्रोस्पेक्ट इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ इन एन एरा ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर दिस ऑर्गेनिल वॉज स्लो टू बी एक्नोलेज फिर इसका रीडिस्कवरी हुआ रीडिस्कवरी कब हुआ एंडोप्लासमिक रेटिकुलम का 1953 में किसके द्वारा कैथ पॉटर के द्वारा कैथ पॉटर डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स दैट अलाउड हिम टू ऑब्जर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म 1953 में कैथ पॉटर ने क्या देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कि जाल जैसा स्ट्रक्चर नजर आया था उन्हें साइटोप्लाज्म के अंदर क्या द नेम एंडोप्लासमिक रेटिकुलम वॉज गिवन टू इट क्योंकि वो नेट जाल की तरह दिखाई दे रहा था इसीलिए उसको नाम दिया गया था एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इन 1954 ही टीम्ड अप विद द फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी जॉर्ज पैलेड एंड टुगेदर दे ऑबटेन्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड फाइनली प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिक 1954 में जो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी थे जॉर्ज पैलेड उनके साथ मिलकर के उन्होंने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकाले और फाइनली इसको प्रूव किया कि इस तरह का भी कोई सेल ऑर्गेनिल एग्जिस्ट करता है कोशिका के अंदर सो ओवर फिफ्टी ईयर्स आफ्टर इट्स डिस्कवरी द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम स्टेप्ड इन टू द लाइमलाइट and was accepted as a bona fide organelle attracting much curiosity and becoming the object of many investigation pure 50 saal baad endoplasmic reticulum jo cell organelle hai wo limelight mein aaya aur sabki curiosity ko attract kiya to aapne dekha ki जिन्होंने पहले किया वो नहीं समझा पाए थे कि इस तरह का भी कोई cell organelle होता है बट फिफ्टी थ्री में जो है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो तकनीक हैं उनके द्वारा जो है पोर्टर सेल बायोलॉजी के जो फादर है मॉडर्न फादर जॉर्ज पैलेड के साथ ये समझा पाए कि इस तरह का एक्जिस्टेंस होता है कोशिका के अंदर एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एज अ सेल ऑर्गेनिज एग्जिस्ट इसको वो एक्सप्लें कर पाए एंड देन This cell organelle got the full attraction and it came into the limelight. ye the ये थे verati jinhone 1902 जिन्होंने नाइनटीन में गोलगी के स्ट्रेन को यूज़ करके देखा कि इस तरह का जाल दिखाई दे रहा है और ये एक सेल ऑर्गेनिल हो सकता है बट वो अपने तथ्यों को समझा नहीं पाए फिर बाद में केथ पोटर ने 1953 में देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर और फिर जॉर्ज पैलेट के साथ मिलकर के 1954 में सब पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को दिखा करके बता पाए कि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनिल है जो नेट की तरह दिखाई देता है जाल की तरह दिखाई देता है इसीलिए उसका नाम रखा गया एंडोप्लास्मिक Reticulum. Now, what is this endoplasmic reticulum? It makes and packages proteins and lipids found in eukaryotic organisms. It forms an interconnected network of flattened membrane endosed sacs or tubes known as cisternia, largest organelle in the eukaryotic cell. एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो जाल की तरह क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्यूब लाइक या सैक्स की तरह जो है सिस्टर्निया प्रेजेंट होते हैं और ये सिस्टर्निया एक जाल की तरह बुने हुए रहते हैं इसीलिए ये एक जाल की तरह दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर और ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर और आपको मैंने पहले ही बता दिया था एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होता है और इसी वजह से वो उन्हीं कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ जिसमें न्यूक्लियस होता है तो वो कोशिका कौन सी हुई यूकैरियोटिक सेल्स इट प्रोवाइड सेपरेट केमिकल एनवायरमेंट विच अलाउस फॉर करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग दो तरह के होते हैं ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लास्मिक reticulum now what are the functions translocation of proteins proteins ko ek jagah se dusre jagah tak transport karna integration of proteins into the plasma membrane plasma membrane tak pahunchana folding and modification of protein in endoplasmic एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन जो सिस्टर्निया है उनके अंदर proteins का folding और modification होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम होता है उनके ल्यूमन के अंदर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इट इज लाइक चैनल आप इसके अंदर देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल चैनल की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो इसके ऊपर डॉटर्ड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में राइबोसोम्स उसके ऊपर चिपके हुए हैं सो दैट इज़ द रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और जिस ट्यूब्स के ऊपर कोई राइबोसोम चिपके हुए नहीं हैं वो स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है सो द फंक्शंस आर प्रोटीन्स आर मेड एंड एंटर द चैनल तो अब न्यूक्लियस के साथ क्यों एसोशिएटेड है आप समझ सकते हैं बिकॉज इन न्यूक्लियस डी एन एज प्रेजेंट और डी एन ए से वो कोड बाहर आता है मैसेंजर आर एन ए बन करके और मैसेंजर आर से जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं और वो प्रोटीन्स जो बन रहे हैं ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम उसको उसके ल्यूमन के अंदर और फोल्डिंग और जो मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का वो सब होने के बाद स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से होते हुए फिर वो कोशिका से प्लास्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाने में हेल्प करते हैं सो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल जो प्रोटीन बन रहे हैं वो इन चैनल्स के थ्रू होकर के उनको बाहर कोशिका के बाहर तक जाने का रास्ता बनाते हैं नाउ द रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम रफ कौन से हुए जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और ये प्रोटीन सेंथसाइज में हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर किसी तरह का राइबोसोम नहीं लगा रहता है और ये लिपिड्स और स्टेरॉयड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉयड्स को भी मेटाबोलाइज करते हैं और कैल्शियम कंसनट्रेशन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन इनको वो रेगुलेट करते हैं सो यू कैन सी दिस रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं और स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर ये स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर किसी तरह का राइबोसोम नहीं लगा हुआ सो इट इज वेरी क्लियर न्यूक्लियस के साथ जो अटैच है राइबो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं इसीलिए वो रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं उसके बाद जो पीछे जो सिस्टर्निया है वो स्मूथ हैं उनके ऊपर किसी तरह के राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं उनको हम स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम कहेंगे सो दीज टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम विच आर नोन एज द रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सो इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल दैट रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हैज अटैच राइबोसोम्स एंड दस हैज रफ अपियरेंस दिस हेल्प ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम राइबोसोम्स इन वेसाइकल्स स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन सच एज मेकिंग लिपिड एंड ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिस्टम है रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइब्रोसोम्स लगे हुए हैं और न्यूक्लियर एनवलप के साथ ये कंटिन्यूस है यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है द फंक्शन इज दैट साइट वेयर लिपिड पार्ट ऑफ द सेल में एलोंग विथ प्रोटीन एंड अदर मेटीरियल्स टू एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल एक्सपोर्ट का मतलब कोशिका में से ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर जाना स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम दिज आर द फैक्ट्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन लाइक मैनी मेटाबोलिक प्रोसेसिसंथसिस एंड हाइड्रोलाइसिस एनजाइम्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथसाइज ऑफ लिपिड्स ऑइल्स फॉस्फोलिपिड्स स्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं ये इन टू ग्लूकोज एंड डीटॉक्सीफाई ड्रग्स एंड पॉइजन लिवर के अंदर ये डी करते हैं ड्रग्स और पॉइजन को एल्कोहल को और बारबिट्रेट्स तो जहाँ पर जिस को, कोशिका में ये पाए जाते हैं वहाँ का कार्य ये करते हैं जैसे लिवर के अंदर डिटॉक्सीफिकेशन का कर रहे हैं या फिर ग्लूकोस जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म है उसका करते हैं तो एंडो स्मूथ रेटिकुलम इसीलिए हम इसको फैक्ट्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन कहते हैं बिकॉज दिस इज हेल्पिंग इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और इसका अपियरेंस जो है वो स्मूथ दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं सो वॉट वॉज दिस रफ एंड रेटिकुलम स्ट्रक्चर में क्या है्यूब्यूल्स कवर्ड विथ राइबोसोम और फंक्शन इनका ट्रांसपोर्टीन मेड ऑन इट्स और स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का हम क्या देखते हैं वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स नॉट कवर्ड विथ राइबोसोम फंक्शन इज मैनी डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल जैसे आपको बताया था कि किस ऑर्गेन की कोशिका में ये पाए जाते हैं उस तरह का वो फंक्शन फॉलो करते हैं जनरली ट्रांसपोर्ट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल सो इफ यू सम अप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम व्हाट इज द स्ट्रक्चर इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लास्म अ सेल इट इज़ कंटिन्यूअस विद द सेल और प्लास्मा मेम्बरेन ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेमब्रेन इन द इनसाइड ये एक चैनल की तरह बनाते हैं न्यूक्लियस अटैच होकर के जो चैनल स्टार्ट हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक वो चैनल्स की तरह कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं ताकि वो प्रोटीन्स को और दूसरे सबस्ट्रेट्स को ट्रांसपोर्ट कर सके एट इट्स आउटर एंड एंडोपला रेटिकुलम कनेक्ट्स इट सेल्फ विद द सेल मेम्ब्रेन

दैट इज प्रोटींस एंड फैट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू ददर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सिंथिसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम विच हेल्प्स इन रीजेनरेटिंग सेल मेमरेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस क्या है जेनरेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय लिविंग मैटर क्योंकि रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसाइज़ करने में हेल्प करते हैं और ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं कोशिका मेम्ब्रेन जो नए कोशिकाएं हैं उनके मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोजेनेसिस सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड वट आर द फंक्शंस देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ना दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल आई वर्क क्लोजली विद द न्यूक्लियस ये कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियस के साथ क्लोजली एसोसिएट होकर के काम करता हूँ तो वो कौन सा ऑर्गेनल हुआ क्या वो गोलगी हुआ माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या क्या है ये बता सकते हैं आप एनी गैसेस of course it is rough endoplasmic reticulum because this endoplasmic reticulum is closely connected from the inner side to the nucleus thank you so much